हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो जो है मैंने दोपहर से स्टार्ट की है, तो यहाँ पे जो है मैं खाना बनाने की थी, सो आई थॉट कि चलो भाई शूट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैंने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी, प्याज वगैरह काट लिया था, सब कुछ जो है ना पहले से, मतलब घिया बनाना था तो घिया वगैरह सब कुछ काट के जो है ना मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था, फिर जो है ना ईजी बन जाता है। तो अब जो है ना पहले हम प्याज काट लेते हैं, फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। से रेसिपी भी आज मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ जी। तो सबसे पहले जो है ना खाना बनाने से पहले मैंने सोचा कि चलो ना यहाँ पे फॉइल जो है ना वो लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना चूल्हों पे ये लगी हुई बहुत अच्छी लगती है कि चूल्हा गंदा भी नहीं होता। तो सबसे पहले जो है ना मैंने ये लगा लिया था, अब हम पहले ये लगा लेते हैं, फिर जो है ना हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है, ऑयल डालने के बाद इसके अंदर जो है ना हम प्याज फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले जो है अपने प्याज फ्राई कर लिए, पहले वो कर लेते हैं। जी तो प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टमाटर करने के बाद इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऐड किया नमक मिर्च हल्दी धनिया, ठीक है, ये ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही हमारा मसाला भुना जाएगा साइड पे ऑयल आ जाएगा, साथ ही जो है हम घी ऐड कर देंगे इसके अंदर। जी तो घिया जो है मैंने पकने के लिए रख दिया है, जब घिया में प्याज फ्राई हो रहा था जब ही जो है ना मैंने यहाँ पे जो है ना आटा गूंद लिया था, अभी जब प्याज ही फ्राई हो रहा था तो साथ साथ मैंने सोचा चलो आटा गूंद देते हैं। तो आटा गूंद के मैंने फ्रिज में रख लिया, और साथ ही जो है थोड़े से बर्तन थे, बिल्कुल थोड़े से थे, 3-4 कप ग्लास ही थे बस, तो वो भी जो है ना मैंने वॉश करके जो है ना रख दिए थे, हांडी मैंने रख दिया, और अब हम इन्जॉय करने लगे बोतल। जी तो बोतल वगैरह पीने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर जो है मैं यहाँ पे आ गई थी रोटी बनाने। माशाल्लाह देखिए कितनी गोल रोटी है मेरी, चाहे वो कच्ची रह जाए या जल जाए वो अलग बात है। तो यहाँ पे एक हाथ में मेरे कैमरा था, इस वजह से जो है ना इस तरह की पलटी गई, तो फिर भी जो है ना एक हाथ से मैं वीडियो बनाई थी और एक हाथ से जो है ना रोटी पलट रही थी, इस वजह से थोड़ा सा कैमरा भी हिल रहा और रोटी भी थोड़ी सी जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। तो सालन की जो है मैंने आपको फाइनल लुक नहीं दिखाई थी, तो अब वो जो है मैं आपको शो कर रही हूँ कि ये था सालन। तो अब जो है मैंने किचन का सारा काम कर लिया है, अब जो है मैं खाना खाने लगी थी, उससे पहले जो है मैं अपनी चाय बना रही हूँ, कि साथ ही जो है ना खाने के साथ की जो है मैं चाय भी ले लूँगी, क्योंकि चाय तो अपना नशा है ना यार, तो नशा भी तो पूरा करना है अपना। तो मुझे कोक और चाय दोनों का है, कोक का ज़्यादा है वैसे। तो फिर जो है ना मैंने चाय बनाने लगी थी, पहले बहन और मामा ने जो है पहनी पीनी थी, तो अब सिर्फ जो है मुझे अपने लिए ही बनानी थी, क्योंकि मैं काम कर रही थी तो मैंने जो है वो बाद में जो है खाना वगैरह खाया, तो उसके बाद जो है मुझे चाय चाहिए थी। तो यहाँ पे चाय हमारी पक चुकी है,
इसको दो तीन दफ़ा बस पहले छांटना था और उसके बाद जो है ना डाल लेना था। तो चाय जो है ना मैं तेज़ पत्ती तेज़ चुनी, दोनों चीज़ तेज़ जो है ना वो पीती हूँ। ड्राइवर्स वाली चाय भी पीना पसंद करती हूँ, तो वहाँ पे यहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश की है। तो चाय बना के जब मैं आ गई हूँ खाना खाने, तो जी आधी रोटी ली है मैंने, साथ थोड़ा सा सालन लिया है। मैंने कहा सालन आपको थोड़ा सा करीब से दिखा देती हूँ, मज़े का बना था जस्ट बीन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ी सी जो है ना अपनी ये मैंने स्टार्ट किया हुआ है मैट स्टार्ट किया हुआ है, जो रखते हैं ना डोर स्टेप मैट जो होता है, मैंने वो स्टार्ट किया हुआ है इसका ऊन का क्रोशिया का। तो मैंने क्रोशिया सीखा था तो मुझे ये अच्छा लगता है पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं यही बनाती हूँ। तो ऊन जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना, मैंने उन दोनों को ले के ना ये दो कलर, एक जो है लाइट मतलब लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कहने आप, ये दो कलर हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये बना लेती हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ पर तो आपको शो नहीं ना हो रहा, बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह तो आपको शो नहीं हो रहा, फिर जो है ना मैंने आपको कैमरे से करीब से दिखाया है कि भाई मैं इस तरह बनाती हूँ, लेकिन जिनको नहीं आता उनको सिर्फ देखने से आएगा भी नहीं इस तरह ना। लेकिन फिर जो है ना अभी जो है मैं ये बना रही हूँ। तो जी कल जो है बारह रबी लोवल है, इंशाल्लाह कल उसका भी हम बनाएंगे कि हमने क्या क्या किया, और जब हम लोग घूमने गए तो फिर मैं उसका भी बनाऊँगी कि हम लोगों ने मतलब लाइटिंग वगैरह सब कुछ जो है ना मैं आपको दिखाऊँगी, गलियाँ कैसी सजी हुई हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा। तो अब आप लोग करीब से देखें मैंने किस तरह के, यहाँ पे तीन थे, इसको तीन में से इसको निकाल लेना है, इसको ये दो हो जाएंगे हमारे, ठीक है ये दो हो गए, फिर इसमें से भी जो है ना इनको निकाल लेना है, तो ये हमारे पास एक रह जाएगा। इस तरह जो है ना इसका हिसाब है जो डिज़ाइन में बना रही, ठीक है। मैं अब आपको दिखाती हूँ यहाँ तक मैंने बनाया था, अभी तीन चार जो है ना मैंने कैमरा ऑन करके बनाया है, तो आप देख सकते हैं सारा जो है ना मैंने बनाया। इसकी फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जी ये मेरी आज की वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।